हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो विकास पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक कराना जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आप अपना आधार कार्ड जो है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराते हैं तो अगले कुछ दिनों में आपकी जो बैंक अकाउंट है वो हो सकता है कि बंद हो जाए। और इसके लिए घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं आपके पास एक तरीका लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप जो है बिना बैंक जाए और वहाँ पे लाइन लगे बिना आप जो है घर बैठे अपना आधार कार्ड जो है वो कैसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि आपका जो है जो भी आप बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग उसमें इनेबल होना चाहिए। और इंटरनेट बैंकिंग इनेबल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं ना कि आप डायरेक्टली जो है अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कहां पे जाने से लिंक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप आधार कार्ड लिंक कराने के लिए बैंक जाएंगे तो हो सकता है आपका एक दिन या फिर एक से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं आपको, और आपको बैंक के चक्कर भी लगाने होते हैं। तो बैंक की आजकल ऐसी हालत है कि वहाँ पे भीड़ इतनी रहती है कि आपको एक दिन तो पक्का लगेगा ही लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों सारे लोग जो है वो लगभग जॉब करते हैं और जॉब करने वाले लोगों को अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के बैंक में लाइन लगना पॉसिबल नहीं होता है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका जो है एक दिन में काम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आपका प्राइवेट बैंक में है तो हो सकता है इजिली आपका कर दे, बट अगर गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि आपको समय तो काफ़ी लगने वाला है। और बैंक में जाने की जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी अच्छे से है, मुझे खुद पता है कि वहाँ पे कितने दिक्कत होती है कोई भी काम कराने में। और ये सब देखते हुए मुझे लगा कि ये जो वीडियो है बना देना चाहिए ताकि आप लोगों को इतनी परेशानी ना झेलना पड़े और आप डायरेक्टली जो अपना आधार कार्ड है उसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा दें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम अपने मोबाइल से जो है अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे जोड़ें, तो चलिए देखते हैं। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले गूगल खोल लें और गूगल में ऑनलाइन SBI टाइप करें। टाइप करने के बाद हमारा ये पहला वाला जो साइट है इसी के अंदर जाना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें, कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है अपना यूज़र आईडी जो है वो डाल दें और उसके ठीक नीचे पासवर्ड डाल दें और फिर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा, उसको काट दें और लेफ्ट साइड में देखिए आपका यहाँ पे है लिंक योर आधार नंबर। मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा कट के आ रहा होगा क्योंकि मैंने स्क्रीन कैप्चर करने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक रजिस्टर करके खुलेगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में सेलेक्ट कर लें, अपना जो अकाउंट नंबर है उसे सेलेक्ट कर लें और उसके ठीक नीचे मोबाइल नंबर आपको शो करेगा कि इस मोबाइल नंबर पर आपका लिंक होने वाला है आपका आधार कार्ड नंबर। और थर्ड में जो है आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद ठीक नीचे जो है उसको आधार नंबर को फिर से डालना होगा। और फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, उसको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो अभी यहाँ पे मैं अपना OTP डाल रहा हूँ। और फिर सबमिट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप शो कर रहा है योर रेफरेंस नंबर इज UIDINB जो भी है। उसके बाद द स्टेटस ऑफ आधार सीडिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। तो हमें दोस्तों बस इतना ही प्रोसेस करना होता है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो बैंक खुद कर लेगा। और आपको एक से दो दिन में मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो समझाया आपके समझ में आ गया है पूरी तरीके से। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।